तो ये बंदी सिख्स जो हैं, पंजाब में एक मूवमेंट चल रही है पंजाब की शांति के लिए, सद्भावना के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो रिलीज ऑफ बंदी सिख्स विल बी ए नेसेसरी स्टेप इन एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस। बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा मुड़ तो संसद अंदर गूंजे। पंजाब तो आम आदमी पार्टी दे संसद मैंबर बिक्रमजीत सिंह सानी ने राज्यसभा च बंदी सिखां दी रिहाई दा मुद्दा चुकिया अते बंदी सिंघां नूं जल्द रिहा करन लई एक कमेटी बनाउण दी अपील कीती है। बिक्रमजीत सिंह सानी ने राज्यसभा च बोलदे कहा है कि यह मसला पंजाब च खड़कूबाद वेले गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों नाल जुड़िया होया है। सिख कैदियों नूं लंबा समा जेलां च रखा गया है जिस कारण वह कई तरह के शरीरिक अते मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए ने। कैदियों को लंबा समय जेल में रखने से भारतीय न्याय प्रणाली की निरपेक्षता पर चिंता हो रही है। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो केस में 15 साल की कंप्लीशन पे ही घिनौना जुर्म करने वाले अपराधियों को रिहा कर दिया गया। श्री राजीव गांधी जी के असैसिनेट्स को भी 30 साल के बाद फ्री कर दिया गया। घिनौने जुर्म करने वालों को फ्रीक्वेंट पेरोल भी दी जा रही है आपके सामने। तो ये हम्बल सबमिशन है कि देर शुड बी यूनिफॉर्म नेशनल लेवल पैरामीटर और पॉलिसी, क्योंकि भारत एक देश है, देश के प्रांतों में डिफरेंट पॉलिसी नहीं हो सकती कि कोई 15 साल घिनौना जुर्म करके 15 साल में ही रिमिशन हो गई कोर्ट में, और वाइल डिसाइडिंग द प्री मेच्योर रिलीज सो दैट यूनिफॉर्मिटी शुड बी मेनटेन। बिक्रमजीत सानी ने इस मौके बंदी सिंघां दे केस दी बिल्किस बानो केस अते साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी दे केस नाल तुलना भी कीती अते सरकार नूं बंदी सिंघां लई भी एक कानून राही फैसला करन लई कहा। उन्हां पुछिया कि बंदी सिंघां नाल वितकरा क्यों हो रहा है। उन्हां मांग कीती कि केंद्र सरकार वल्लों बंदी सिखां दी रिहाई लई एक कमेटी बनाई जावे तां कि उन्हां दी जल्द रिहाई संभव हो सके। चेयरमैन सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि 11 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रिजनर्स को रिहा करने की सर्कुलर निकाला गया, और बहुत से ऐसे ये लोग मानसिक तौर पर गंभीर बीमारियों का शिकार हैं, उसमें सरदार गुरदीप सिंह खेरा, दविंदर सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजोना, जिनकी डेथ सेंटेंस ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई है एज पर द लेटर विच आई एम लेइंग ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट 11 अक्टूबर 2019, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये बंदी सिख्स जो हैं, पंजाब में एक मूवमेंट चल रही है पंजाब की शांति के लिए, सद्भावना के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जिन सिख बंदियों ने 30 साल 32 साल गुजार लिए हैं उनका कंडक्ट ठीक है, और इसमें मैनी ऑफ देम आर फेसिंग सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थनेस, तो रिलीज ऑफ बंदी सिख्स विल बी ए नेसेसरी स्टेप इन एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस as means of fostering reconciliation and social healing in Punjab। मैं भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी को प्रार्थना करता हूँ कि एक जल्दी हाई पावर्ड कमेटी बना के इन केसेस का रिव्यू करके इनका निर्वाण किया जाए। जो बंदी सिख्स 30 साल से वहाँ है, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट। दसीए कि बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा लंबे समय तो चलदा अते लटकदा रहा है। मोहाली च पिछले दिनी बंदी सिंघां दी रिहाई लई मोर्चा भी लाया गया, पर इसके बावजूद भी मसला लटकिया होया है। उधर पटियाला जेल च बंद बलवंत सिंह राजोना ने बीते दिनी जेल अंदर ही भुख हड़ताल भी रखी सी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।